डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर सिक्स स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर बुक आमोद। टुडे वी स्टार्ट योर हिंदी ग्रामर बुक लेसन नंबर 14, संधि और समास, जिसका हम फर्स्ट पार्ट अप टू समास के भेदों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम समास के भेदों को विस्तार से पढ़ने लगे हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद अव्ययी होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। पहला पद अव्ययी होता है और उसका अर्थ क्या होता है? प्रधान, मुख्य होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है यथा शक्ति, उसको अगर विग्रह किया तो शक्ति के अनुसार, पीछे से लेते हैं, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, हर रोज, रोज रोज, प्रत्येक, एक एक, ये हमारे पास उदाहरण दी थी। अब हम पढ़ने लगे तत्पुरुष, दूसरा भी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद, उसमें पहला पद प्रधान होता था, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन एक वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। जैसे इसकी उदाहरण देखो, तुलसी कृत, पहला नेम तुलसी कृत द्वारा कृत, गौशाला गो के लिए शाला, आनंद मगन आनंद में मगन, पहला अक्षर प्रधान होता है इसलिए पहले अक्षर से लिखा जाता है। इसे हम तीसरा भेद है कर्मधारय समास, जिसमें एक पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य, पहला विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा, उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे नील कमल, नील से नीला जो कमल, मह ऋषि महान है जो ऋषि, कुपुत्र कुस्तित जो पुत्र। अब हम पढ़ने लगे द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद, पूर्व कर ले पहला पद, संख्या जो पहला पद होगा हमेशा संख्या में होगा और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक हो सकता है और कभी कभी उत्तर यानी दूसरा पद भी संख्यावाचक में आ सकता है। जैसे दो राह, दो से बेटे दो राहों वाला, त्री त्रि मतलब तीन, तीन भुजाओं वाला, पंचवटी, पंच से मतलब पांच, वटों का समाहार या समूह। अब पांचवा भेद है द्वदम समास। द्वदम समास में दोनों यानी एक पद नहीं दोनों पद प्रधान, दोनों ही अपना अपना अर्थ देते हैं। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, फल फूल, फल और फूल। और लास्ट हम पढ़ने लगे बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास में कोई भी पद प्रधान है, दोनों में किसी पहला ना ही पहला होता और ना ही दूसरा, कोई भी पद प्रधान मुख्य नहीं होता। जैसे उदाहरण देखो, निर्गत है धन जिससे, इसमें आंसर इज निर्धन, वीणा है पानी में जिसके, वीणा पानी, जो बल के साथ है सबल। धन्यवाद।